अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, श्रीलंका का दौरा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली गई। आज सीरीज का तीसरा मैच मेलबर्न के ग्राउंड में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए तीसरा मैच भी श्रीलंका से जीता। श्रीलंका को शर्मनाक शिकस्त, क्लीन स्वीप कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को। तीसरे मैच में भी श्रीलंका नाकाम, ऑस्ट्रेलिया कामयाब। जबरदस्त परफॉर्मेंस का नजर है ऑस्ट्रेलिया की जानब से। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। आइए वीडियो की जानब। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा T20 मैच मेलबर्न के ग्राउंड में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 142 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर में और 143 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए तीसरा मैच भी जीत लिया। श्रीलंका की जाने से ओपनर मेंडस और दिकवेरा ने बैटिंग का आगाज किया। दिकवेरा ने बगैर कोई रन बनाए पवेलियन दौड़ गए। मेंडस और परेला के दरमियान किसी 8-10 पार्टनरशिप कायम हुई, लेकिन मेंडस ने साथ छोड़ दिया। उन्हें 18 बॉलों पर 13 रन बने 1 छक्के की मदद से। परेला ने उमदा बैटिंग का मुजाहरा करते हुए नीम सेंचुरी जोड़ी। उन्होंने 45 बॉलों पर 57 रन बनाए 4 चौके और 1 छक्के की मदद से। इसके अलावा कोई भी बैट्समैन डबल फिगर में दाखिल ना हो सका। उनका कोई भी बल्लेबाज परेला का साथ किसी ने भी साथ नहीं दिया और पूरी बैटिंग ब्रेक की दीवार साबित हुई ऑस्ट्रेलिया के बॉलर के सामने। मेंडस ने 18 बॉलों पर 13 रन बनाए, दिकवेरा ने बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। परेला ने 57 रन की इनिंग्स खेली। फर्नांडो ने 20 रन बनाए और फर्नांडो जूनियर ने 4 बॉलों पर 6 रन बनाए और जसूर ने 15 बॉलों पर 12 रन बनाए और राज पास्कर ने 11 बॉलों पर 17 रन बनाए 1 छक्के 1 चौके की मदद से और मनंगा ने 8 रन बनाए 4 बॉलों पर 1 छक्के की मदद से। परेले के अलावा कोई भी बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों के सामने उमदा खेल पेश ना कर सका और इस तरह श्रीलंका ने 142 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर में और 143 का टारगेट दे दिया। ऑस्ट्रेलिया की जानब से बॉलरों में कामयाब बॉलर स्टार्क ने 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। रिच हार्डसन ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा ऑस्ट्रेलिया की जानब से। 143 के ताकों में ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग का आगाज किया। फिंच और डेनोवा ने जबरदस्त आगाज किया। दोनों के दरमियान बड़ी पार्टनरशिप कायम हुई और ग्राउंड के चारों तरफ खूबसूरत शॉट खेले और श्रीलंका के बॉलर को दबाव में रखा। खूब पिटाई की श्रीलंका के बॉलरों की। फ्रेंच ने तेज खेले थे। उन्होंने 25 बॉलों पर 37 रन बनाए 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से। वार्नर एक बार फिर उमदा बैटिंग का मुजाहरा। उन्होंने पहले मैच में सेंचुरी जोड़ी, दूसरे में भी सेंचुरी और आज तीसरे में भी सेंचुरी जोड़ी। उन्होंने सीरीज में उमदा खेल पेश किया। उन्होंने 50 बॉलों पर 57 रन बनाए, नट आउट रहे 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से। स्मिथ ने 9 बॉलों पर 13 रन बनाए 2 चौकों की मदद से। डेमेटो ने 7 बॉलों पर 5 रन बनाए और थॉरन ने 15 बॉलों पर 22 रन बनाए। जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा देने वाले की जानब से। वार्नर एक बार फिर उमदा खेल पेश किया वार्नर ने और इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने 145 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर 17.4 ओवर में और ये मैच भी 7 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। क्लीन स्वीप कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को। तीसरे मैच में भी 7 विकेटों से कामयाब रहे ऑस्ट्रेलिया की टीम। श्रीलंका के जाने से बॉलरों में मलंगा ने 22 ओवर में एक विकेट हासिल की। कुमार ने 10 ओवर 4 ओवर में 49 रन देकर 1 विकेट हासिल की और प्रदीप ने 3.4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट हासिल की। इन तीनों के अलावा कोई भी बॉलर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा ना कर सके। इन तीनों के हिस्से में 1-1 विकेट आई और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा ऑस्ट्रेलिया की जानब से। ऑस्ट्रेलिया की जानब से डेन वार्नर ने तीनों मैच में उमदा बैटिंग का मुजाहरा करते हुए तीसरे मैच में मैन ऑफ द मैच और सीरीज का भी बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड डेन वार्नर और प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड डेन वार्नर के लिए। उन्होंने पूरे सीरीज में अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया के नाम 3-0 क्लीन स्वीप कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को। श्रीलंका के नाम शर्मनाक शिकस्त श्रीलंका के नाम। ऑस्ट्रेलिया की जानब से कामयाब बैट्समैन रहे फ्रेंच ने 37 और
ڈنروالی نے 57 رنز کی اننگز کے لیے عمدہ بیٹنگ کا مظاہرہ آسٹریلیا کی جانب سے. پہلے بالنگ میں بالنگ میں بھی اچھی پرفارمنس دکھائی اور بعد میں بیٹنگ میں بھی زبردست پرفارمنس دکھائی. ابھی دیکھنا ہے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز ہے کیونکہ آسٹریلیا کی ٹیم پورے فارم میں ہے. ابھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کے نئے بالر اور نئے بیٹس مین آسٹریلیا کے خلاف کیا کارکردگی دکھائے گی. امید ہے کہ پاکستان بھی اچھا کھیل پیش کرے گی لیکن آسٹریلیا کی ٹیم بھرپور فارم میں ہے. ابھی دیکھنا ہے کہ آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان پہلا T20 میچ اتوار کو کھیلا جائے گا. آسٹریلیا نے سری لنکا کو شرمناک شکست سے دوچار کیا. تیسرے میچ میں بھی سری لنکا کو شکست, کلین سویپ کر دیا ہے آسٹریلیا نے سری لنکا کو. سری لنکا نے پاکستان کے خلاف کلین سویپ حاصل کیا تھا لیکن آج آسٹریلیا کے سامنے آسٹریلیا میں کلین سویپ ہو گئے. بری پرفارمنس کا مظاہرہ سری لنکا کی ٹیم کی جانب سے آسٹریلیا کے خلاف. ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. تھینکس فار واچنگ.